जाने का, तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं। तुम अपनी जल्दी चलो, जल्दी चलो। हेलो फ्रेंड्स, जो बच्चे बाहर का खेल रहे हैं, और हम लोग पैदल ही जाएंगे क्योंकि हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट का रास्ता है। चंदा मामा को ही तो मोन कहते हैं। मम्मी सबसे पीछे से आपके मजे आ रहे हैं, गोदी चढ़ के जा रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले शूटिंग के लिए स्टॉल लगा हुआ है और ओम लगाने लगा है निशाना, और थोड़ा ये गन ज़्यादा बड़ी है तो इसका ठीक से बैलेंस नहीं बन पा रहा है। बस मेले वगैरह में जाके बच्चों को यही सब करने में मज़ा आता है। फिर हम चल दिए हैं वाटरफॉल की ओर। वैसे तो ये डेली भी यहाँ पे रहता है, लेकिन मेले में लाइट वगैरह लगी हुई है और रात में तो ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। नॉर्मल जब दिन में आता है तब भी ये रहता है, चलता भी रहता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा ये रात में लग रहा है। तो वैसे भी रात में लाइट में चीज़ों की खूबसूरती और बढ़ जाती है, और काफ़ी भीड़ है मेले में यहाँ पर। कमजोरी थकान से निराश हैं तो आपके लिए आशा के किरण डॉक्टर चौधरी।
आगे और थोड़ा आगे चलकर आइसक्रीम का स्टॉल दिखाई दिया। बच्चे काफी देर से जिद कर रहे थे कुछ खाने के लिए, लेकिन बाहर ऐसे कुछ खाने का ज्यादा मन भी नहीं करता और है भी नहीं, तो हम आइसक्रीम कॉर्नर की ओर जा रहे हैं। कहीं मेले में जाएं और सॉफ्टी ना खाएं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अभिषेक लेने गए हमारे लिए सॉफ्टी। क्या चाहिए? कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी? हाँ जी। ओके। आपे तब्बा लाश नहीं आनी। लगता है तबीयत ठीक हो गई। नहीं नहीं। तो ये नहीं नहीं होनी। ये ट्रेन लाती। लसिया। कॉटन कैंडी। और यहाँ पर हम सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, लेकिन सिया जिद कर रही है कॉटन कैंडी की। इसका हमेशा अलग ही चलता है, अगर हम लोग कॉटन कैंडी खाते तो ये आइसक्रीम मांगती। अभी आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खा रही है, कॉटन कैंडी के लिए जिद कर रही है। ये आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खा रही है, तो इसके पापा इसके लिए कॉटन कैंडी लेने गए हैं। फ्रेंड्स, हम तो बचपन में कॉटन कैंडी को बुढ़िया के बाल कहा करते थे और बड़ा मज़ा भी आता था। और ये समझिए कि बुढ़िया के बाल कहने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता था। आजकल बच्चे कॉटन कैंडी बोलते हैं। क्या बचपन में भी आपने बुढ़िया के बाल बोला है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सिया अपनी कॉटन कैंडी देखकर एकदम खुश हो गई है, लेकिन सर्दी में आइसक्रीम खाने का भी अपना अलग मज़ा है। और मुझे पता है ज़्यादा खाएगी नहीं, बस इसको लेने की रहती है हर चीज़ को, क्योंकि जिद सी है इसके अंदर और सबसे अपोजिट चलती है। पानी की बोतल आनी चाहिए, हाथ चिपक जाएंगे। और अब चलते हैं, झूले के झूले मिला तो मेला अधूरा ही है। चलो बच्चों झूला झूलते हैं। हम इधर झूले की तरह बैठे हैं, इधर होंगे ना। Yeah.
और यहाँ पर ये कुछ दुकानें लगी हुई हैं तो इस पे जाकर सारा जो सामान है हाउस की मिलता है। तो हमने देखा यहाँ पे वैसे कुछ ऐसा था नहीं, जो भी मतलब था सामान वो हमारे पास था, लेकिन मुझे डस्टिंग ग्लव्स चाहिए थे तो वो मैं देख रही हूँ और मैंने लिया भी है, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा वाला लिया है। और भीड़ काफ़ी है यहाँ पर क्योंकि ये ज़्यादा दुकानें लगी हुई नहीं है, जो भी हैं तो सभी यहीं पे आ रहे हैं और काफ़ी भीड़ है किसी भी चीज़ को तो सभी से देखने का इतना टाइम नहीं है। तो हमने फटाफट यहाँ से बस एक ग्लव्स लिया और फिर हम आगे चल दिए। और अब हम आ गए हैं ज्वेलरी की शॉप से, यहाँ से मैंने कुछ इयर रिंग्स लिए हैं, उनको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है तो मैं आराम से दिखा नहीं पाऊंगी। और ओम काफ़ी देर से जिद कर रहा था झूलने के लिए, तो पहले मुझको यहाँ पे ले आए हैं फिर आगे झूलने के लिए झूलने लगे हुए हैं वहाँ पर जाएंगे। और इसने स्टार्ट कर दिया है चढ़ना, ये पहली बार इतनी ऊंचाई पर चढ़ रहा है तो थोड़ा डर रहा है, फर्स्ट राउंड में ही डर रहा था, सेकेंड में तो फिर ये फटाफट से चढ़ के एकदम से नीचे आ गया था क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कभी चढ़ा नहीं है। और काफ़ी मज़ा आ रहा है बच्चे को आकर। या तो झूल ही नहीं पाई थी तो हम यहाँ पर लेके आए हैं, छोटे वाला झूला है और दोनों बच्चों को इस पर बिठा दिया है, पर इनको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है इस पर बैठ के क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है तो लगता है इनको शायद चक्कर आ रहे हैं, वो बस बीच में ही दोनों उतर गए थे। और इसके बाद बस हम घर के लिए निकल जाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और सर्दी भी है और फिर की तबीयत अभी कुछ दिन पहले ख़राब थी तो फिर यही है कि फिर से तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ से थोड़ी देर में निकल लेंगे, बस ये लास्ट है यहाँ पे, इसके बाद में हम घर के लिए ही चलेंगे। और चलते चलते रास्ते में लाइट वाले हेयर बैंड मिल गए हैं, ये सींग है और बड़े खुश हो रहे हैं बच्चे इनको लगाकर, नाइट में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये, तो दोनों बच्चों ने एक एक ले लिया है और बहुत खुश हो रहे हैं, जो भी बन रहा है इनको लगाकर। चंद्र सिनेमा के सामने रोड की रोड मुजफ्फरनगर, मोबाइल नंबर 9897541400। जो भी आ गए जो भी, लेकिन कहीं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब कहीं से नाम आया भारत के साथ विदेशों में भी आ गए हैं। सिया गोदी ले आई है, पूरे रास्ते तो बस बहुत थकान हो गई है और ओम की वजह से मैं झूले पे जाऊंगी, झूल के आऊंगी।
तो फ्रेंड्स रात आने में थोड़ा लेट हो गए थे, उसके बाद आकर बच्चों को सुलाया और सुबह अब सारा काम निपटा लिया है, तो लगा कि चलो जो कुछ वहाँ से शॉपिंग की है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे वहाँ ज़्यादा शॉपिंग के लिए कुछ था नहीं, बस ये है घूमने फिरने के हिसाब से, थोड़ा मूड चेंज करने के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन शॉपिंग के लिए कुछ खास नहीं है, बस बच्चों के टॉयज और ये इयररिंग्स वगैरह और जो चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी जब कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा लग ही जाता है, तो थोड़े बहुत इयररिंग्स मैं लेकर आई हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताएं कि वो आपको कैसे लग रहे हैं, तो दिखाती हूँ। ये कुछ इयररिंग्स हैं, ये मैंने मतलब एक तो 4 का एक पैक था वो लिया है और एक अलग से लिए हैं, ये ऐसे बॉक्स में दिए थे मेरे पास, ये बॉक्स रखा हुआ था बैंगल्स का तो मैंने सारे इसी में रख लिए हैं। और ज़रूर बताएं कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा ज़्यादा कुछ ना पहनती नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब से लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है पहनने के बाद अच्छे लगें। देखिए ये मल्टी कलर में है और ये 4 का पैक था, एक पैक में 4 थे तो मैंने ये लिए हैं। दूसरे दिखाती हूँ, ये वाले मुझे अच्छे लगे, ये देखिए थोड़ा झुमका टाइप में है। अभिषेक कह रहे हैं कि इन्हें पहन के तो एकदम बंजारन लगोगी, क्योंकि मैं कभी ऐसे इतने बड़े पहनती नहीं हूँ, एक दो मेरे पास हैं, मैंने एक दो वीडियो में पहने भी हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा मैं इनको नहीं पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी जब किसी कोई ऐसी ड्रेस पहनते हैं तो अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ले लिए। और ये वाले भी मुझे अच्छे लगे हैं, इनकी खास बात यह है कि ये देखने में काफ़ी हैवी लग रहे हैं, लेकिन हैवी नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है। देखिए फ्रेंड्स ये देखने में जितने हैवी लग रहे हैं उतने हैवी नहीं, बहुत लाइट वेट हैं। और ये चारों ही मल्टी कलर में, इनमें कलर भी थे लेकिन मुझे मल्टी कलर ठीक लगा, क्योंकि ये सभी ड्रेस के साथ मैच कर जाते हैं। और एक मजे की बात, मैं रात को आके ऐसे फोन में मीशो पे देखने लगी तो इस तरह की ज्वेलरी मीशो पे भी थी, लेकिन उनके रेट कुछ ज़्यादा थे, हो सकता है उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, ये तो मतलब चीज़ हाथ में आने के बाद ही पता चलता है, लेकिन ये भी अच्छे हैं, इतने बेकार नहीं, और रेट के हिसाब से तो काफ़ी ठीक हैं। ये मुझे 165 का पूरा एक कॉम्बो पैक पड़ा है, मतलब इसमें 4 हैं ये और 165 में, देखिए थ्री एंड 4 ये 165 में, तो मुझे रेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने इनको ले लिया। और एक ये अलग से ब्लैक कलर में, ये कुछ ज़्यादा लंबे लग रहे हैं, देखिए लेकिन मुझे लगा कि कोई ड्रेस अगर मतलब नाइट के हिसाब से होगी, नाइट में पार्टी में पहनने के लिए, उस पर काफ़ी अच्छे लगेंगे। देखिए एक मैं आपको पहन के दिखाती हूँ और आप बताना मुझे कि कैसे लग रहे हैं। यही दिखाती हूँ लॉन्ग वाले, देखिए। वैसे ना जब किसी ड्रेस के साथ पहनेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा लुक देंगे। इतने हैवी नहीं है जितने देखने में लग रहे हैं। देखिए ये वाले 150 के हैं, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इनके जो ये मतलब इसमें मोती हैं, ये इनमें काफ़ी शाइन है। एक दूसरे भी दिखाती हूँ,
ये वैसे भी हैंगिंग में है तो अच्छे हैं, इनसे मतलब जो कान में कभी कभी इचिंग होने लगती है ना वो नहीं होती है। ये लोक वाले नहीं है, इस तरह से हैं। देखिए वैसे जब कोई ड्रेस वगैरह पहनते हैं तब इनका लुक अच्छा आएगा, इतने बेकार भी नहीं लग रहे हैं जितना अभिषेक बोल रहे हैं। बस बाकी तो सब, और कुछ नहीं लिया है, और एक ये लिया है डस्टिंग के लिए। लेडीज कहीं पे जाए हो डस्टिंग का ना लेकर आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये पहले मेरे पास था वो ग्लव्स था, तो उसमें ना क्या होता है कि फिंगर में आ नहीं पाता वो ठीक से, छोटा पड़ जाता है। तो इस बार मैंने ये ऐसा लिया है, 2-in-1 है, और इसमें ऐसे करके ये अच्छे से हो जाती है डस्टिंग, तो ये मुझे ठीक लगा, ये मैंने ले लिया है। ये 180 का है, और तो कुछ नहीं लिया है, और तो बस बच्चों ने 2-4 टॉयज लिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। घूमने फिरने के हिसाब से अच्छा है, लेकिन एक चीज़ जो मेरे मन में रह गई वो उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। मुझे हिंडोले पे झूलने का बहुत मन था और मैं इसीलिए गई थी, लेकिन ओम जिद करने लगा कि मुझे भी बैठना है, और वो मुझे पक्का पता था कि वो बैठने के बाद डर जाएगा, क्योंकि जब हमने उसे छोटे वाले पे गोल गोल पे घुमाया तो वो बीच में उतर गया, उसे डर लगने लगा था और वो जिद कर रहा था कि मुझे भी हिंडोले पे बैठना है, अगर मैं बैठती तो वो भी साथ में बैठता, और फिर वो बीच में डर जाता और हिंडोला बीच में रुक भी नहीं पाता है, तो इसलिए मैं हिंडोले पर नहीं झूल पाई। पर मेरा बहुत मन है, और अभी तो शायद मेला कुछ दिन और लगेगा, तो मैं एक बार ज़रूर चुपके से जाऊंगी और झूल के ज़रूर आऊंगी, क्योंकि ये जो झूले वूले होते हैं ये कहीं मॉल वगैरह में कहीं नहीं होते, बस मेलों में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो जब मैं झूलने जाऊंगी तो उसकी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।